आप देख रहे हैं दृष्टि नाव, नजर हर खबर पर। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड पंचायत चुनाव में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर याचिका दायर की गई थी। याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने अपने पहले के आदेश के आलोक में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी की ओर से याचिका दायर की गई थी। झारखंड में 4 चरणों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए जा रहे हैं, लेकिन इसमें ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया गया है। ओबीसी आरक्षण को लेकर ही उन्होंने याचिका दायर की थी। वो लेकर जो कहीं न कहीं संशय था वो अब खत्म हो चुका है, पंचायत चुनाव राज्य में होंगे। सर, झारखंड में पंचायत चुनाव ऑलरेडी नोटिफाइड है और चुनाव अपने नियत समय पर और अपनी नियत प्रक्रिया के अनुसार होगा। अब पता नहीं कुछ भ्रम की स्थिति पैदा की गई थी बीच में कि चुनाव स्थगित कर दिया गया है, सब ऐसे कोई बात नहीं है। और चुनाव स्थगित करने की जो याचिका थी चंद्र प्रकाश चौधरी के नाम से जो पिटीशन फाइल हुआ था, वो आज खारिज हो गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव नोटिफाइड है, चुनाव यथासंभव जल्दी से जल्दी कराया जाए। सर, राज्य सरकार ने मजबूती से पक्ष रखा, क्या एक दो पॉइंट्स बताएंगे? पॉइंट्स ये है कि चुनाव जो हम लोग पंचायती राज का जो हम लोग ने कराने का निर्णय लिया राज्य सरकार ने, ये सुप्रीम कोर्ट के ही आदेश से आच्छादित है। क्योंकि अगर जब ट्रिपल टेस्ट अभी नहीं हो पा रहा है उस वजह से, तब तक के लिए बिना रिजर्वेशन फॉलो करते हुए ओबीसी का चुनाव कराने का सुप्रीम कोर्ट ने अन्य राज्यों के लिए भी आदेश दिया है। उसी आदेश को हम लोगों ने पालन किया और चुनाव की प्रक्रिया शुरू की।